हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल की। तो आज के इस वीडियो में क्या खास है, क्या सीखने वाले, आइए आपको बताता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में जो कि कल मैंने बनाया था, उसमें बनाया था कि कैसे आप रिकॉर्ड्स, न्यू रिकॉर्ड्स इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पहले से एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ हो और आपको दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कराना हो तो ये कैसे पॉसिबल होगा, चलिए ये देखते हैं और समझते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना है, फिर यहां से चले जाना है सीधा का क्वेरी डिजाइन पर। तो ये क्वेरी डिजाइन आपको दिख रही होगी, यहां पर जाइए, शो टेबल वाला विंडो ओपन हो जाता है, यहां से क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। और क्लोज पे क्लिक करने के बाद यहां पर इस तरीके से क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यूज करना है इंसर्ट, क्योंकि हम रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहे हैं तो यहां पे लिखना है इंसर्ट। अब कहां इंसर्ट करा रहे हैं, इनटू टेबल का नाम है टेबल 1। तो यहां आपको जैसे टेबल 1 आपने नाम दिया है, बिल्कुल वैसे ही टेबल 1 यहां पे लिख दीजिए। यहां पे वैल्यूज क्या-क्या डाल रहे हैं, इसमें क्या-क्या नई वैल्यूज इंसर्ट करा रहे हैं, वो डिटेल यहां पर आएगी। तो यहां पे वैल्यूज लिख करके यहां पे लिखना है 2, आईडी नंबर 2, क्योंकि टेबल 1 अगर हम देखते हैं तो यहां पर आईडी नंबर 1 ऑलरेडी आई हैव इंसर्टेड। तो यहां पे टेबल 1 में अब आईडी नंबर 2 इंसर्ट होगी, तो इसके लिए हम क्वेरी बना रहे हैं। तो यहां पे 2 लिख दिया और 2 लिखने के बाद कॉमा देते हैं, यहां पे नाम आएगा। तो नाम को आपको सिंपली सिंगल इंडेंटेड कॉमा में लिखना है, राजेश ये लिख दिया नाम, ठीक है, इस तरीके से कॉमा देंगे। और फिर यहां पर राजेश के बाद, अब चूंकि ये फर्स्ट नेम है फिर लास्ट नेम लिखना है, तो यहां पे कर देता हूं सिंह, एस आई एन टी एच, तो ये लिख दिया, कॉमा देंगे। और यहां पर क्लास का नेम भी देना है। तो क्लास का नेम कैसे देंगे हम, यहां पे सिंपली जैसे हम लिखते हैं क्लास का नेम बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे और काम हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहां पर लिख दीजिए VII, यहां पे इस तरीके से 3 बार, ठीक है। तो ये लिख दीजिए और आपका काम हो जाएगा इससे। और यहां पर एक काम मैं करता हूं, इसे सिंगल इंडेंटेड कॉमा में इसे बना लेता हूं इस तरीके से, ठीक है। तो ये लिख देने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है, ठीक है, और क्लोज करने के बाद इसे टर्मिनेट भी कर देना है। टर्मिनेट करने के बाद इस वाले टेबल को आप क्लोज कर दीजिए और बस यहां से आप देखिए डिजाइन पे जाइएगा तो यहां रन नजर आएगा, तो इस रन पे क्लिक करिएगा। यहां पे कह रहा है सिंटैक्स, यहां पे दो बार कॉमा लग गया है, एक कॉमा हमें हटाना होगा, तो यहां से जाकर के एक कॉमा हटा देते हैं, बस इतना ही हमें करना है, बाकी सब तो सही है। अगर सही है तो ये रन हो जाएगा। अब देखिए यहां पे आ रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड 1 अरो, तो बस यस कर दीजिए, आप अपेंड हो गया। आप टेबल में जाइए और देख लीजिए ये जो राजेश था ये यहां पे इनपुट हो गया है। इसी तरीके से और भी चीजें आप कर सकते हैं। अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाता है तो आप आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं एसक्यूएल में कैसे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।